यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए और बिना इंस्टाग्राम पर फॉलो किए इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है। कृपया ध्यान दीजिए। तो गाइज, दिल्ली के सफ़र की शुरुआत होती है हमारे मोहल्ले के सैलून से। अभी आया हूँ उस सैलून में। तो गाइज देख रहे हैं जैसा कि बाल का कंडीशन बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो इसको थोड़ा छोटा कराया जाए अभी। तो अभी हो गया बाल कंप्लीट, अब थोड़ा सेविंग करवाया जाए क्योंकि दाढ़ी का भी कंडीशन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो गाइस फाइनली हेयर कटिंग के बाद अब नंबर आता है पैकिंग का, और पैकिंग के लिए हम अभी जा रहे करने की देर में। सब कुछ रेडी है पैकिंग के लिए, तो पैकिंग करते अभी क्योंकि सुबह निकलना है। मॉर्निंग 8:30 का ट्रेन है हावड़ा से न्यू दिल्ली, तो पैकिंग करते हैं फिर और देखते हैं पैकिंग में भी क्या क्या हमको लेके जाना है, क्योंकि एक महीने के लिए जाना है लगभग दिल्ली में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इधर में मेरा आता है यहाँ पे चार्जर, यहाँ पे मेरा डायरी, हेडफोन, ब्लूटूथ, ट्राइपॉड, ब्रश, और यहाँ पे फर्स्ट एड है, सैनिटाइजर हो गया, मेडिसिन हो गया, और यहाँ पे नेल कटर है, रेजर है, हेयर बैंड है, और यहाँ पे मेरा घड़ी हो गया। बता दूँ गाइस क्योंकि वॉच का मैं बहुत ही बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए ये रहा मेरा 3 वॉच। ये बेवकूफ़ बैंड, बेल्ट और मास्क मैंने 3 ply लिया हूँ 10 pieces, और ये कॉटन मास्क हैंकी, ये रबड़ी ड्यू, और ये मेरा नाइक का टोपी और वॉलेट। तो इसे भी पैक करना है हमें। तो गाइस फाइनली हो चुका है हमारा पैकिंग अभी कंप्लीट, कर देते हैं लॉक। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस। तो गाइस फाइनली अभी हमारा हो चुका है पैकिंग कंप्लीट, ये देख रहे हैं आप, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो अभी चला मैं सोने, और मॉर्निंग उठना है सवेरे क्योंकि 8:35 में ट्रेन है, इसलिए चला सोने। मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट डे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं, देख रहे हैं 5:50 हो रहा है, और अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ, फ्रेश होऊंगा फिर निकलूँगा स्टेशन के लिए। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं और निकल रहा हूँ अभी स्टेशन के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:26,
और निकलना भी है स्टेशन के लिए, क्योंकि 8:30 में 8:35 में ट्रेन है। तो गाइस बने रहे वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं देखते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हो रहा है 7:45 और मैं आ चुका हूँ अभी हावड़ा स्टेशन पे। और अभी टाइम है काफ़ी, लगभग 50 मिनट्स है अभी। तो वेट करते ही देख रहे हैं, वेलकम टू हावड़ा स्टेशन। देख रहे हैं 02267 लास्ट से सेकेंड नंबर पे दिखा रहा है, 8:35। हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो चले अभी अलार्म हो चुका है, 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है न्यू दिल्ली हावड़ा स्पेशल। और अभी 10 नंबर प्लेटफॉर्म खाली है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे शो कर रहा है 02267 न्यू दिल्ली हावड़ा स्पेशल। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे 02267 शो कर रहा है 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और मेरा सीट है S4 में। तो आइए देखते हैं S4 में, चेक प्रीपेड चेक कर दे रहा है एक बार। 02267 S4 और सीट नंबर है मेरा 40। तो आइए चलते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। अभी टाइम देख रहे हैं सामने में 7:55 हो रहा है अभी, और ट्रेन अभी आई नहीं है, तो वेट करते हैं थोड़ा ट्रेन का। प्राइस देख रहे हैं अभी 7:57 हो चुका है टाइम, और ये हावड़ा स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ चुकी है ट्रेन हावड़ा न्यू दिल्ली स्पेशल दुरंतो। ये देख रहे गाइस हावड़ा टू नई दिल्ली 02267 हावड़ा न्यू दिल्ली स्पेशल। तो गाइस ट्रेन आके लग चुकी है, और अब हम चलते हैं अपने बोगी की तरफ। S4 में सीट है मेरा, तो चलिए चलते हैं S4 की तरफ। तो गाइस चलते हैं अभी अपने सीट की तरफ S4 में। बता दूँ इसका अभी हावड़ा दुरंतो, हावड़ा न्यू दिल्ली स्पेशल दुरंतो एक्सप्रेस है ये, और काफ़ी कम स्टॉपेज है इसका, 5 स्टॉपेज सिर्फ है। और फेयर आपको बता दूँ कि इसका फेयर 2S में पड़ रहा है अभी 500, और स्लीपर में 800, और अगर आप 3AC में लेते हैं तो 1800 रुपये इसका फेयर है। तो मेरा है स्लीपर में, तो स्लीपर का चार्ज हमको 800 कुछ रुपए पड़ा है। तो अभी चले हम S4 की तरफ। तो गाइस फाइनली आ चुका हूँ S4 पे, और सीट नंबर है हमारा 40। तो 40 इधर से नज़दीक पड़ेगा, 1280 है। तो आइए चलते हैं अंदर सीट पे। मेरा सीट S40, S4 में 40, साइड अपर है मेरा, सही है विंडो सीट। तो गाइस फाइनली बैठ चुका हूँ अभी सीट पे, और अभी टाइम अभी हो रहा है 8:20, 15 मिनट है अभी टाइम ट्रेन खुलने में। बाहर अभी धूप हो चुका है, और तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, चलते हैं। बस हम अभी 8:35 हो चुके हैं, और देख रहे हैं आप हावड़ा स्टेशन से ट्रेन खुल चुकी है। मौसम तो अभी सही है, क्लाउडी मौसम है, बाकी देखते आगे का वीडियो कैसा रहता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल को किसने जाना। टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं, और भूख लग गया हमको बहुत जोर का, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं हो।
और सुबह सवेरे उठने से भूख भी लग गया था ब्रश करने के बाद, और नींद भी आ रहा क्योंकि रात लेट से सोया था, लगभग 1 बजे के आसपास सोया हूँ, सुबह 5 बजे ही उठ गया, उसे 2 घंटा सोया, तो नींद भी आ रहा है, भूख लग रहा है, तो उसके लिए तो अभी ये लिया हूँ मैं, एक चिप्स लिया हूँ पिताजी का और एक केक ले लिया हूँ, तो अभी इसको खा के थोड़ा काम करेंगे क्योंकि अभी लंबा सफ़र है और स्टॉपेज भी ज़्यादा नहीं है, स्टॉपेज आपका 5 स्टॉपेज शो कर रहा है, एक फर्स्ट आसनसोल पड़ेगा, दूसरा उसके बाद जसीडी पड़ेगा, जसीडी के बाद पटना जंक्शन के बाद उपाध्याय के बाद कानपुर, और कानपुर के बाद न्यू दिल्ली स्टेशन आ जाएगा, 5 स्टॉपेज है, तो थोड़ा आराम कर ले रहे क्योंकि नींद आ रहा बहुत ज़ोर का, तो मिलते हैं फिर आगे। तो बस फाइनली केक चिप्स खाने के बाद अभी जाके पेट में थोड़ा जान आया है और अभी जा रहा है सोने के लिए, नींद बहुत ज़ोर का आ रहा है, 1 घंटा लगभग सोते हैं और फिर उठते हैं। ये रहा गाइस फाइनली पहला स्टॉपेज आ चुका है आसनसोल जंक्शन, लगभग अभी 11:10 पे आसनसोल जंक्शन पहुँचा है। तो गाइस फाइनली अभी लगभग 1 घंटा सो के उठा हूँ, आसनसोल स्टेशन आ गया था, तो आसनसोल स्टेशन के पास नहीं उठा, अभी थोड़ा जाकर अच्छा फील हो रहा है क्योंकि नींद बहुत आ रहा था, पर अभी तो सफ़र बहुत लंबा है, कल सुबह उतरना है 6:30 बैठ के, गाना चल रहा है, मूवी चल रहा है, और क्या किया जाए, तो बने रहे देखते हैं आगे का सफ़र। तो गाइस जैसा कि आप अनाउंस सुन रहे हैं अभी पटना जंक्शन पे हैं, और फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा है कि हम पटना जंक्शन आए और पटना जंक्शन पे उतर नहीं रहे क्योंकि हमको जाना है अभी दिल्ली, काफ़ी टाइम से यहाँ पे रुके हुआ है क्योंकि 15 मिनट ट्रेवल चला रहा था, तो 15 मिनट फास्ट था, 15 मिनट पहले ही लाके रुक गया यहाँ पे पटना जंक्शन पे, तो इसीलिए पटना जंक्शन पे अभी रुका हुआ है, और अभी टाइम हो रहा है 4:32, तो अब यहाँ से खुलने वाला है पटना जंक्शन से, तो आइए बने रहे वीडियो में। तो गाइस फाइनली खुल चुका है अभी पटना जंक्शन से, और फर्स्ट टाइम हमारा है जो पटना जंक्शन आके क्रॉस कर रहे हैं और पटना जंक्शन पे उतरे नहीं, और अभी शाम का 4:34 हो चुका है, 4:34। तो गाइस देख रहे इधर में चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है सही जगह पे, मेरे सीट पे 2-2 चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, और फिर अपना फ़ोन चार्ज में लगा के यहाँ पे डाउन में बैठा जाए, बाकी कंडीशन ठीक ही है वैसे, स्लीपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कवारा भी नहीं है, ठीक ही बोगी है। Back to the sound.
भी हो रही है धीरे धीरे शाम, सूरज डूबता हुआ सामने नज़र आ रहा है आपको, ऑलमोस्ट डूब ही गया सूरज। और यहाँ पे लोग खाने के लिए भी ऑर्डर लेने आए हैं, IRCTC से देख रहे हैं आप खाने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे थे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक। ये रहा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, चौथा स्टेशन अभी हम आ चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:23, और इसके बाद कानपुर, और कानपुर के बाद न्यू दिल्ली। तो गाइस यहाँ पे लगभग 1 घंटा ट्रेन रुक चुका है, क्योंकि पता नहीं ये ट्रेन का क्या तरीका है कि जब चलाता है तो इतना स्पीड करता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में 1 घंटा बिफोर पहुँचा दे रहा है, और फिर दूसरे ट्रेन में दूसरे स्टेशन में ले जाके रुक दे रहा है। ये रहा गाइस शिवाजी ब्रिज, और यहाँ से 5 मिनट डिस्टेंस दिखा रहा है न्यू दिल्ली स्टेशन। गाइस फाइनली पहुँच चुका हूँ न्यू दिल्ली स्टेशन। और मेट्रो करके हमको आगे भी जाना है, तो चलते मेट्रो की तरफ। गाइस अभी 6:16 पे मैं उतर गया हूँ दिल्ली स्टेशन पे, और अभी जाऊँगा मेट्रो, मेट्रो से फिर अपनी जगह पे जाना है। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतारा है टाइम से, 15 मिनट बिफोर उतार दिया है, तो सही रहा वैसे जनरल स्लीपर क्लास के हिसाब से सही था। बहुत ज़्यादा जनरल टाइप का भी सीट नहीं था कि एकदम से कवारा, स्लीपर के हिसाब से अच्छी ट्रेन थी। और चलते अभी आगे जाते अपनी मंजिल पे, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली निकल चुका हूँ अभी मैं, ये देख रहे हैं आप दिल्ली स्टेशन से बाहर, और अभी जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। बस पकड़ के हमको निकलना है, 894 बस पकड़ना है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। देखते हैं बस किधर से मिलता है, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। ये रहा न्यू दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली स्टेशन के अभी हम सामने हैं। और ये रहा हवाओं में लहराता हमारे देश की शान तिरंगा। और इधर भी अभी पार्किंग स्लॉट में अभी हम खड़े हुए हैं, और इधर से अभी हम निकलेंगे बाहर की तरफ। बाहर निकल के पकड़ते हैं बस दिल्ली पुलिस। सो 94 आ जा मेरे भाई। फाइनली ये देख रहे हैं आप यहाँ से बस स्टैंड है यहाँ पे, और 894 बस में हमको जाना है, क्योंकि आ चुका है सामने कि बस दिख रहा है कि 894 बस है, इसमें अभी हमको उठना है और उसके फिर जाना है अशोक विहार। तो आता है बस, बस में बैठते हैं। Thank you.
और ये गाइस बस हमारी ट्रैक्टर भी आते हुए आ चुकी है। तो इस बस में अभी हम उठते हैं 894 में, फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस निकल चुके अभी हम न्यू दिल्ली स्टेशन से भरत नगर तैमूर नगर के लिए, और बस से लगभग पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइस दिल्ली में शुरुआत होती है हमारे दिल्ली के एक कप चाय से। यहाँ पे अभी हम बहुत टेस्टी चाय है यहाँ पे। अभी हमें भरत नगर में ये है बैंक ऑफ बड़ौड़ा के बड़ौड़ा एटीएम से, ये बैंक ऑफ बड़ौड़ा है उसके अपोजिट में भी हम बैंक ऑफ बड़ौड़ा के गेट पर चाय पी रहे हैं, और काफ़ी टेस्टी चाय है यहाँ की। तो दिल्ली की शुरुआत, दिल्ली के सफ़र की शुरुआत होती है हमारे कप चाय से। तो अभी फाइनली मैं उतर गया हूँ भरत नगर में, अभी जाऊँगा रूम पे। तो कैसा लगा दिल्ली ब्लॉग कलकत्ता टू दिल्ली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब बहुत ही जानदार ब्लॉग होने वाला है यहाँ का दिल्ली का। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।